गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में सिलेंडर टू सिलेंडर ऑफसेट एक्सिस के साथ बताने जा रहा हूं, जिसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ए वर्टिकल सिलेंडर 80 mm डायमीटर, ए वर्टिकल सिलेंडर 80 mm डायमीटर इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाई ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर 60 mm डायमीटर एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द HP एंड VP। ड्रा द प्रोजेक्शन एंड शोइंग द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इफ द एक्सिस ऑफ बोथ सिलेंडर आर 120 mm एंड 10 mm अपार्ट। कहने का मतलब हुआ कि इस सिलेंडर का एक्सिस और इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का एक्सिस, वर्टिकल सिलेंडर के एक्सिस को 10 mm हटकर पेनिट्रेट कर रहा है। 10 mm वर्टिकल सिलेंडर के एक्सिस से हटकर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का एक्सिस 10 mm पर पेनिट्रेट कर रहा है। इसी का प्रोजेक्शन ड्रा करना है। तो देखिए, यहां पे आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम में या प्रोजेक्शन में सबसे पहले टॉप व्यू, फिर उस टॉप व्यू से साइड व्यू, फिर उस साइड व्यू से हॉरिजॉन्टल प्लेन का टॉप व्यू, फिर इस दोनों टॉप व्यू और साइड व्यू से फ्रंट व्यू बनाते हैं। दिमाग में रख ले रहना है। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं। रेफरेंस लाइन एक्स और वाई, दूसरा रेफरेंस लाइन खींच लेंगे एक्स वन और वाई वन एक दूसरे के ऊपर कहीं पर भी। अब सबसे पहले 80 mm डायमीटर यानी वर्टिकल का हम टॉप व्यू खींचेंगे, वर्टिकल का टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमारा क्या दिखाई देगा? सर्किल। तो सर्किल दिखाई देगा, तो सर्किल एक 80 mm यानी 40 mm रेडियस का हम सर्किल ड्रा कर लेंगे। ड्रा कर लीजिए, ड्रा कर ली। कितना? 40 mm रेडियस का। इसको चार भाग में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लिए। ए नामकरण कर दीजिए, बी सी डी, क्लियर। अब यहां से इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड चलेंगे, यहां से 45 डिग्री से इंक्लाइन लाइन खींच लेंगे, यहां से चलेंगे, यहां 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 चलेंगे, चले। अब यहां से ऊपर चलेंगे, ऊपर चले। ये हमारा रेडियस कितना है डायमीटर? आपका यहां से यहां तक कितना है? 80 mm। डायमेंशन जरूर लिखेंगे। अब यहां से ऊपर कितना जाएंगे? तो एक्सिस का लंबाई कितना है? 120 mm। तो 120 mm हम ऊपर चलेंगे, एक सौ बीस एम एम ऊपर चले। ये चल दिए, आप नामकरण कर दिए। ये हमारा A1' C1' D1' D1' B1' ये हमारा C1' उसी प्रकार ये भी A1'
D1 डैश, ये हमारा C1 डैश। यहां तक क्लियर? अब क्या करना है, यहां से 60 mm ऊपर, 60 mm यहां से ऊपर चलेंगे। ये हमारा डायमेंशन कितना है टोटल 120 mm। अब यहां तक डायमेंशन कितना है हमारा सेंटर 60 mm। अब 60 mm पर इस पॉइंट से 10 mm हटकर, यहां से 10 mm हटकर, यही हमारा 10 mm हो गया। इस पर से 30 mm, हॉरिजॉन्टल का डायमीटर कितना दिया हुआ है 60 mm, तो 30 mm रेडियस लेके हम क्या करेंगे, सर्किल ड्रा कर लेंगे। 30 mm रेडियस लेके हम सर्किल ड्रा कर लेंगे। ड्रा कर ली। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 8 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए 8 इक्वल पार्ट में। नंबरिंग कर दीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश। क्लियर? 8 इक्वल पार्ट में 30 mm रेडियस वाले सर्किल को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखिए जहां पे ये सेंटर लाइन, किसका टॉप व्यू का सेंटर लाइन गया है, जहां पे ये सर्किल को कट करता है उसको ई डैश जी डैश एफ डैश एच डैश यानी ए पॉइंट। क्लियर? एकदम से दिमाग में रख रहा है, या तो ई डैश एफ डैश खाली मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो 4 पॉइंट ले लेते हैं, इधर भी लेते हैं उधर भी लेते हैं, तो यानी ई डैश जी डैश एफ डैश एच डैश, क्योंकि 10 mm अपार्ट हट रहा है तो कहीं पे सरफेस के और दूसरा जगह टच करेगा। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर वर्टिकल सिलेंडर को 10 mm अपार्ट पर, तो इसका सरफेस यानी सर्किल का सरफेस कहीं पर और टच करेगा, तो उसी पॉइंट को, तो ई डैश जी डैश एफ डैश एच डैश। क्लियर? अब क्या करना है, यहां हर पॉइंट से हम नीचे की ओर चलेंगे, यहां से 7 से परपेंडिकुलर नीचे, 3 से परपेंडिकुलर नीचे, 2 और 4 डैश एकदम से सम नहीं आएगा, 5 1 और 5 से नीचे आएगा, ये हमारा 8 और 6 से, 8 और 6 जो है आठ डैश और सिक्स डैश से सीधे हमारा नीचे कोई साइड करके चलाएगा। अब इसको नीचे लाइए,
नीचे आएंगे, यहां से भी नीचे आएंगे, यहां से भी नीचे आएंगे, यहां से भी नीचे आएंगे, सब नीचे। अब यहां से हॉरिजॉन्टल इधर चलेंगे, ये चले, यहां से भी चलेंगे, यहां से भी चलेंगे, क्लियर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाइए, यहां से आगे, यहां से आगे, यहां से, क्लियर। यहां तक क्लियर। अब देखिए इस ओर से 60 एमएम इधर, क्योंकि आपका कितना लंबाई दिया हुआ एक्सिस का 120 एमएम, तो आधा इधर से ये हमारा 60 एमएम इधर, और इसको आगे बढ़ाए तो 60 एमएम इधर भी ले लेंगे, तब जाके हमारा एक्सिस 120 एमएम, ये हमारा क्या हो जाएगा डॉटेड, ये हमारा डॉटेड, क्लियर। इसको आगे बढ़ाइए, आगे ये हमारा डॉटेड, आगे बढ़ाइए, ये हमारा डॉटेड, ये हमारा डॉटेड, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। अब यहां से 60 एमएम इधर ये हमारा हो गया, यानी ये हमारा टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का ये हमारा टॉप व्यू हो गया। नामकरण करिए, ये हमारा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा 7, तो ये भी हमारा 7, यानी सामने ये सर्किल है तो यहां 7 तो उधर भी 7, 1 इधर तो 1 उधर, 2 इधर तो 2 इधर, यानी सर्किल का सामने सामने। अब यहां से देखिए ये 7, ये हमारा 8 और 6, तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा 8 और 6, 8 और 6 देखिए कौन साइड कर रहा है, तो यही पे होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 8 और 6। 8 दिखाई दे रहा है, 6 दिखा, तो आप अंदर बाहर कर सकते हैं, आपके ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा 1 और 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और 5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 और 5। अब यहां से देखिए 2 और 4, तो 2 और 4 ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा 4, उसी प्रकार ये हो जाएगा 2, ये हमारा 4। अब देखिए 3, ये हमारा 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये भी हमारा 3। ये टॉप व्यू का हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का टॉप व्यू बन गया। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सर्किल को टॉप व्यू सर्किल को रेड लाइन जहां कट कर रहा है, जिधर जिधर इधर एक इनर एक आउटर पे कट कर रहा है, तो ई साइड वाले में क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ई साइड वाला में पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ई साइड जो कट कर रहा है, टच कर रहा है जहां पे क्यू से, और इधर हम पी से, यानी Q1 Q2 Q3 Q4 आपके ऊपर निर्भर कर, जहां जैसे देखिए ये हमारा 7 है, 7 आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा Q7 आ गया, ये हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P7। अब देखिए ये 3 हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Q3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P3, क्लियर। अब देखिए 2 और 4, यानी Q2 Q4 और P2 P4, तो Q2 ये हमारा P3 है, ये आपका Q3 है, ये हमारा Q2 Q4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
Q2, Q4, ये हमारा क्या हो जाएगा P2, P4। क्लियर। अब देखिए यहां से 1 और 5, 1 और 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Q1, Q5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P1, P5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो यहां तक, अब यहां से 8 और 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q8, Q6, ये हमारा हो जाएगा P8, P6। पॉइंट यहां तक आ गया। अब देखिए E और EF, GH, यानी हमारा ये पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट पर हमारा GH, इस पॉइंट पे हमारा EF। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमको वर्टिकल का सिलेंडर का, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का फ्रंट भी बनाना है। तो सीधे सीधे आप बी पॉइंट से बी पॉइंट डी पॉइंट से ऊपर चलेंगे, कितना 120, यहां से ए से भी चलेंगे, एमएम हमारा कितना है 120, एक्सिस कितना 120 एमएम। अब यहां से ये 1 से और 5 से हम चलेंगे सामने, 1 और 5 चले यहां यहां, उसी प्रकार ई डैश जी डैश से एफ डैश एच डैश से। क्लियर। अब देखिए 4 और 6 कौन साइड करेगा, 2 और 8 कौन साइड करेगा, 7 और 3। क्लियर। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, बढ़ा दिए। अब यहां से इस टॉप व्यू से ऊपर जाइएगा, ये हमारा कट करेगा। क्लियर। उसी प्रकार इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहां से सामने आएगा, यहां से सामने, यहां से ऊपर चलिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का टॉप व्यू बन गया। अब देखिए ये हमारा, सबको आगे बढ़ाते चलिए, सबको आगे लाइए, बढ़ा दिए, आगे बढ़ाइए। अब कहां पे, यहां से देखिए इसका 2 और 4, तो 2 और 4, 1, 5, 8, 6 ई जी डैश सबको निकाल दिए, इधर साइड साइड में निकाल दिए हैं। अब हमको फ्रंट व्यू ड्रा करने के लिए, अब देखिए Q3 कहां होगा, यहां इस लाइन पे जहां पे चलेगा, इसको यहां से Q3 से ऊपर चले, यानी आप इस लाइन को आगे बढ़ाइए, जहां पे यहां से परपेंडिकुलर ऊपर चलेंगे, ये हमारा पॉइंट यहां पे Q3, तो यहां पर क्या हो जाएगा Q3 डैश, ये हमारा Q3 डैश हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए Q3 निकल गया, अब हमारा
यहां से देखिए सेवन सेवन से ये हमारा पी, यहां पे क्यू सेवन है, क्यू सेवन से ऊपर चलिए, क्यू सेवन से ऊपर चलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू सेवन डैश सेवन वाला, ये दो को पॉइंट निकाल लिए। अब देखिए हमारा टू और एट, सबसे पहले ई और जी, ई और जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जी वन डैश, और ये हमारा हो जाएगा ये पॉइंट, देखिए एच से आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा एच वन डैश, यहीं से जा रहा है ई और जी, यहीं पर हमारा है जी और एच, तो जी ऊपर आया है, एच हमारा नीचे से, एच डैश हो गया, चार को पॉइंट निकाल लिए। अब देखिए टू और एट, टू और एट, तो यहां पर देखिए टू यहां है और एट यहां है, तो टू और एट, तो टू को हम आगे बढ़ाएंगे, टू वाला जो आठ यहां चला इसको आगे बढ़ाइए आगे, तो यहां से टू से चलिए, टू से सामने चलेंगे, टू से ऊपर परपेंडिकुलर, टू से टू और फोर, तक टू से ऊपर एकदम से परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट क्यू टू, क्या हो जाएगा क्यू टू डैश हो जाएगा। अब देखिए एट, एट हमारा एट है, यहां से क्यू टू क्यू एट, अब एट यहां है क्यू एट हमारा यहां, तो यहां से चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां से चलिएगा सामने, ये हमारा क्यू एट डैश हो जाएगा, क्लियर, ये हमारा क्या हो गया क्यू एट डैश। अब देखिए फोर और सिक्स, तो फोर और सिक्स, तो फोर हमारा यहां से क्यू फोर, इस लाइन को हम आगे बढ़ाए, देखिए क्यू फोर को यहां से हम आगे बढ़ाए, तो ये हमारा ये पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए Q4, ये हमारा 4 और 6 से जो आया, यहां से Q4 से जो लाइन गया, ये हमारा क्या हो जाएगा Q4 डैश 4, आपको देखिए सामने जा रहा है ना जी, इधर की ओर आ रहा है, यहां से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और यहां Q4 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल ऊपर चलेंगे, वर्टिकल ऊपर चलेंगे, जहां पे कट करेगा वो Q4 डैश हो जाएगा। अब Q6, अब देखिए Q6 यहां है, यानी इस पॉइंट पे हमारा इसको Q8 और Q6 से गया, तो ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q डैश 6 हो जाएगा। अब तो कोई पॉइंट बचा नहीं है, थ्री हो गया, सेवन हो गया, सिक्स हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सब पॉइंट आ गया। अब देखिए हमारा यहां पर देखिए, अब पॉइंट को हमको आगे बढ़ाना है, तो ये हमारा जो डैश, ये पी वन, वन और फाइव, वन और फाइव हमारा भी नहीं हुआ, तो वन फाइव से यहां से वन को, तो इसको हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ाएंगे, ये फाइव को आगे बढ़ाएंगे, और यहां से क्यू वन क्यू फाइव से लेंगे, तो क्यू वन क्यू फाइव से जहां पर जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट क्यू फाइव डैश, इसको ऊपर बढ़ाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा Q1 डैश। अब मिला दीजिए, एकदम से पॉइंट निकल गया, यहां से ये हमारा डॉटेड मिलते चला गया, डॉटेड डॉटेड मिल गया, ये हमारा ये वाला बाहर वाला बोल्ड, बाहर वाला आपका एक साइड का बन गया, उसी प्रकार इधर आप निकालते चल जाइए, पॉइंट निकल जाएगा, ये हमारा P5 डैश, ये हमारा Q P5 P1 डैश हो जाएगा, सामने सामने जो पॉइंट मिलेगा, जो इधर से किए हैं वही चीज इधर से करना है हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा,
तो एक पॉइंट ए हो जाएगा हमारा पी फोर डैश, सामने सामने लाइएगा ना, लाएंगे। अब ये हमारा देखिए क्यू फोर डैश, क्यू फोर डैश यहां पे, ये हमारा क्यू सिक्स, तो ये हमारा क्यू फोर डैश, ये हमारा ये पी फोर डैश, ये हमारा पी सिक्स डैश। अब यहां पे ये हमारा हो जाएगा P3 डैश, ये हमारा हो जाएगा P7 डैश, क्लियर। अब यहां पे ये हमारा हो जाएगा Q2, ये हमारा तब P2 डैश, ये हमारा P8 डैश, क्लियर। अब देखिए इधर जीते ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ये हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा E1 डैश, ये हमारा हो जाएगा F1 डैश। अब देखिए F1 इसको आगे, ये हमारा F1 डैश। अब मिला दीजिए उसी पर का, यहां से ये तो बोल्ड हो गया, यहां से डॉटेड हो जाएगा, ये हमारा बोल्ड, ये हो गया, यही आपका। अब इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डॉटेड हो जाएगा, ये हमारा डॉटेड, ये हमारा डॉटेड, ये हमारा डॉटेड, यही आपका। अब इधर से नामकरण करना चाहते हैं तो नामकरण कर दीजिएगा, देखिए ये वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वन डैश, क्लियर। ये टू एट डैश, तो ये हमारा टू वन डैश, ये हमारा थ्री और सेवन डैश, ये हमारा फोर वन डैश, ये हमारा फाइव वन डैश, उसी पर गाड़ी इधर हो जाएगा वन डैश, टू वन डैश, एट वन डैश, ये हमारा टू वन डैश, एट वन डैश, ये हमारा थ्री वन डैश, सेवन वन डैश, ये हमारा आपका फोर वन डैश, सिक्स वन डैश, ये हमारा फाइव वन डैश, यही आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का और वर्टिकल सिलेंडर का फ्रंट व्यू। क्लियर, यहां नामकरण कर दीजिए, यह हमारा डी डैश, सी डैश, ए डैश, ये हमारा बी डैश, यही पर हो जाएगा, ये हमारा बोल्ड, ये हमारा डी डैश, सी डैश, ए डैश, ये हमारा बी डैश, यही आपका फ्रंट व्यू। किसका? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिलेंडर का। ये यहां से डिस्टेंस 10 mm, क्लियर, कहीं दिक्कत इसमें, फिगर आप मिला दीजिएगा एकदम से, जैसे यहां से देखे हर पॉइंट से ऊपर जाएंगे वर्टिकली, यहां साइड व्यू से हर पॉइंट से आवेंगे हॉरिजॉन्टल, यही तो इसमें फंक्शन और कुछ फंक्शन नहीं है। यहां से अब इससे हम इस सिलेंडर को टॉप व्यू माने हम साइड व्यू देखना चाह रहे हैं, किसका? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिलेंडर का। तो सबसे पहले टॉप व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहां से हर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन राइटवर्ड चलते हैं, ये 45 डिग्री से, कितना डिग्री से,
45 डिग्री से इंक्लाइंड लाइन खींच लेते हैं, उस लाइन पर जाके फिर परपेंडिकुलर चलते हैं हर पॉइंट से। यहां पर चल गए, हमको साइड व्यू बन गया। अब कहता 60 एमएम रेडियस का है, 60 एमएम डायमीटर का है हमारा डायमीटर, तो उसको 30 एमएम रेडियस लेके 10 एमएम हट करके हम बना लेते हैं सर्किल। इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और जहां पे इस सेंटर लाइन टॉप व्यू का सेंटर लाइन जाता है और सर्किल को जहां कट करता है, तो ई डैश, जी डैश, एफ डैश और एच डैश। अब हर पॉइंट से डाउनवर्ड आते हैं, किसके लिए? हम हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का टॉप व्यू बनाने के लिए। तो वहां से आते हैं जहां पे मिलता है, यहां से ये 60 एमएम, यहां से ये 60 एमएम, तो टोटल हमारा लंबाई एक्सिस का कितना हो गया 120 एमएम। नामकरण कर दीजिए, 8 और 6, 1 और 2, 2 और 4, 3, सबका नामकरण कर दिए। 7 यहां से आया, 7 तो 7, इधर भी 7, यानी दोनों को 7-7 करके ले लिए हैं। अब हर पॉइंट से यहां से ऊपर चलेंगे, इसके हर पॉइंट से। अब देखिए यहां पे 2 और 4 तो यहां पे कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन इधर जो है 2 और यहां से 2 और 4 से जो लाइन लीजिएगा, तो हॉरिजॉन्टल को 2 वाला को ऊपर कट करेगा और 4 वाला को नीचे कट करेगा, तो दो को अलग अलग पॉइंट हो गया। इधर का कोइंसाइड है, इधर का 2 पॉइंट, इधर का ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है एक पॉइंट पर, लेकिन यहां से जब खींचेंगे तो यहां से हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना, यहां से हॉरिजॉन्टल, तो 2 को यहां पर कट करेगा और 4 को नीचे कट करेगा। हर पॉइंट को उसी तरह से लेके आप ड्रा कर लीजिए, अंदर वाला डॉटेड होगा और बाहर वाला बोल्ड होगा। यही आपका सिलेंडर टू सिलेंडर ऑफसेट कितना अपार्ट 10 एमएम पर आपका ये प्रोजेक्शन कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। थैंक यू, अच्छा लगता है वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एकदम भूलना नहीं, ठीक है बाबू, दैट्स ऑल, थैंक यू।